अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चिकन स्टीम रोल, जो कि आपने बहुत बार मार्केट में तो खाया होगा। वही टेस्ट, वही अंदाज के साथ आज हम घर में बनाएंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे तैयार करेंगे, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो चिकन ले लिया था, उसके 4 पीसेज मैंने बाजार से करवा लिए हैं। अब हर एक पीस के छुरी की मदद से कट लगा लेंगे। कट हम थोड़े बड़े बड़े लगाएंगे, तकरीबन हर स्लाइस के हिसाब से कट लगाएंगे। अगर आपका स्लाइस बड़ा है तो आप 3 से 4 उसको कट लगाइए। 3 से 4 कट लगाने से ये होगा कि उसका मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा, क्योंकि ये बड़े स्लाइसेस हैं और गलने में भी आसानी होगी। अब इसे हमने एक बाउल में डाल लिया है। यहाँ पे हम 1 चम्मच इसमें काली मिर्च डाल रहे हैं, 1 चम्मच ही हमने इसमें काला नमक डालना है। काला नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। 1 चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे, चाट मसाले से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच अब नमक डालेंगे, 2 बड़े चम्मच हमने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरके से खटास आती है, अगर आप सिरका स्किप करना चाहें तो आप लेमन जूस ऐड कर सकती हैं इसमें। अब 1 चम्मच हमने इसमें तिक्का मसाला ऐड किया है, 1 चम्मच हमने इसमें ग्रीन चिलीज डाली है, यानी कि हरी मिर्चें पीस ली थी, 2 बड़े चम्मच वो ऐड कर दिए हैं। 100 ग्राम के करीब हमने इसमें दही डालना है, दही हमारा गाढ़ा होना चाहिए। हाथों की मदद से अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। हाथों की मदद से मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि हर एक स्लाइस को अच्छे से मसाला जज्ब हो जाता है और सारे मसाले आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो आपने थोड़ा सा टाइम देना है और हर एक स्लाइस को हाथों से आसानी मैश कर लेना है। इसके अलावा हम इसमें 1-1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छे से लगाने के बाद आपने इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा आप इसे कवर करके फ्रिज में रखेंगी, इससे ये होगा कि मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा। दूसरी साइड मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है। यहाँ पे हमने स्टीम देनी है। इसके लिए एक छन्नी यूज़ करें, ये मार्केट से बासानी अवेलेबल होती है। कवर करके रख दें जब तक पानी आपका खौलता है। यहाँ पे पानी मेरा खौल चुका है। अब जो मेरे चिकन के स्लाइसेस थे वो हम बारी बारी छन्नी के ऊपर रखेंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए। 20 से 25 मिनट बाद आपका चिकन अंदर से तो गल चुका है, लेकिन इसके ऊपर से जो कवर है उसको हमने क्रिस्पी करने के लिए अभी इसे फ्राई करना है और इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। उसके लिए आप ऑयल गर्म कर लें एक पैन में। यहाँ पे कुछ हरी मिर्ची हैं, उन्हें मैं कट कर रही हूँ। उन्हें मैंने गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करना है चिकन के साथ, तो इन्हें पहले कट कर लेते हैं। दूसरी तरफ मेरा ऑयल गर्म हो रहा है। आप ऑयल या घी दोनों में से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। घी आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म करके रखना है। ज़्यादा गर्म होगा तो हो सकता है कि आपके चिकन जलना शुरू हो जाए। सारे स्लाइसेस को बारी बारी मैनेज कर लें। 5-5 मिनट तक के लिए आप एक साइड से पकाएं। जैसी वो लाइट ब्राउन या डार्क ब्राउन हो जाए, आपने जो कलर देना है मनपसंद कलर के साथ साइड चेंज करें। मैंने लाइट ब्राउन किए हैं और बहुत ही अच्छी क्रिस्पी सी लेयर आ चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। छोटा सा बेल आइकन होता है उसे प्रेस किया करें, उससे ये होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई न्यू वीडियो डालूंगी आपको बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगी। लीजिए, गर्मा गर्म स्टीम रोस्ट एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।